Hello guys, good morning to all of you. Today also we are going to talk on the next notes related to narration. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है तो तीन प्रमुख नियम लगने के साथ अब बाकी के जो एडिशनल रूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको अपन नोट टू नोट देख रहे हैं. अपने कल एक नोट देखा था और उस नोट में ये देखा था. नोट नंबर वन में मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलता है. लेकिन कल अपन ने नोट नंबर सेकंड देखा और उसमें ये देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब दिए गए वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस बदल जाता है. कब बदल जाता है? जब उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है. आज अपन नोट नंबर थर्ड की बात करेंगे और नोट नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है. नोट नंबर थर्ड में मैं मेंशन करना चाहता हूं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रयुक्त कुछ विशेष सहायक क्रियाएं जिन्हें अपन मॉडल्स भी कह सकते हैं निम्न प्रकार बदल जाती है. मतलब वो किस प्रकार से बदल जाती है उनको हम देखते हैं. व्हाट्स अवर नोट? हमारा नोट क्या है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, देन ड्यूरिंग चेंजिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन स्पेशियल हेल्पिंग वर्ब्स इन द पार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच या इन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड एज पर रूल्स एंड व्हाट इज द रूल आई एम गोइंग टू मेंशन. तो देखिए क्या नियम होगा. जो हमारा कैन होता है उसको कुड में बदल दिया जाता है. कैन का कुड, विल का वुड, सेल का सुड और इसके अलावा मे का माइट हो जाता है. कैन का कुड, विल का वुड, सेल का सुड और मे का माइट हो जाता है. अब विल और सेल का वुड सुड हो जाएगा तो ये एक प्रकार से अपन देख रहे हैं तो फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज हो रही है. फ्यूचर टेंस का भी काम हो रहा है और साथ में हमारे जो मॉडल्स हैं दो कैन और मे वो भी चेंज हो रहे हैं और विल और सेल को भी अपन मॉडल मानकर इनको चेंज कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए. लेकिन ये परिवर्तन कब होगा? ये परिवर्तन तभी होगा जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तभी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होंगे. और देखिए आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि जितने भी एडिशनल चेंजेज होंगे वो एडिशनल चेंजेज एक ही कंडीशन से होंगे, एक ही कंडीशन पर होंगे, इफ द गिवन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. यदि दी गई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी ये बाकी के सारे चेंजेज होंगे. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो ये एडिशनल जो चेंजेज मैं आपको बता रहा हूं ये चेंजेस कोई भी सेंटेंस में अप्लाई नहीं होंगे. एग्जांपल देखिए. हमने सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखिए. सी सैड इट मे रेन और आगे एक वर्ड और लिखा मैंने heavily heavily मूसलाधार बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है. जब अपन इसको चेंज करेंगे तो देखिए सी सेट, सेट का सेट ही रहेगा. क्यों रहेगा सेट का सेट? यू नो वेल बिकॉज द देर इज नो एनी ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर द वर्ब इन रिपोर्टिंग वर्ब. तो सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या करेंगे दैट. अब यहां देखिए इट कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वह अनचेंज्ड रहता है. ये बात अपन ने परिवर्तन के नियम जब रिपोर्टेड स्पीच के परिवर्तन अपन पढ़ रहे थे तो नियम नंबर सी में देखी थी. तो देखिए इट का क्या रहेगा?
इट। अब यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त मे का क्या हो जाएगा, माई। मे का क्या हो जाएगा, माई, और फिर आगे आ जाएगा रैन और एच ई ए वी आई एल वाई है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सुमन सेठ टू श्याम यू कैन नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, यू कैन नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम। जब सेंटेंस को चेंज करेंगे अपन तो देखिए, सबसे पहले सुमन सेठ टू श्याम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुमन टोल्ड श्याम। अब यहां हमने सेड टू का टोल्ड कर दिया, सेड टू का टोल्ड क्यों कर दिया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड के बाद में श्याम है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया बदली। टोल्ड श्याम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दो दैट। अब यहां देखिए यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम। श्याम मीन्स सिंगुलर मैस्कुलाइन, सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन, यानी एक वचन पुलिंग, और एक वचन पुलिंग के लिए कौन से प्रोनाउन का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के लिए, ही, तो यह आ जाएगा दैट ही। अब हमारा नोट लग रहा है, इधर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ गया, कैन, तो क्या हो जाएगा, कुड, ही कुड नॉट सॉल्व। अब यहां देखिए माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन है, तो माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, सुमन। सुमन मीन्स सिंगुलर नंबर फेमिनाइन, एक वचन स्त्रीलिंग, और एक वचन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किसका होगा, सी का, लेकिन यहां पजेसिव प्रोनाउन है तो सी का पजेसिव प्रोनाउन आएगा क्या, हर, सॉल्व हर, और आगे आ जाएगा प्रॉब्लम, पी आर ओ बी एल ई एन। और देखिए एक सेंटेंस, सेंटेंस नंबर थ्री, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि कई बार विल और शैल का प्रयोग जब मॉडल के रूप में होता है तो आप इनके परिवर्तन को लेकर या इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप इनका यूज करते हैं तो उस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना है कैसे, देखिए रीना सेड, रीना सेड टू मी आई विल हेल्प यू इन द टास्क, मैं टास्क में तुम्हारी सहायता करूंगी। अब यहां देखिए आई के साथ विल का प्रयोग हुआ है, आई के साथ विल का प्रयोग हुआ है, मतलब विल मॉडल है और यहां प्रोमिस दर्शाता है, डिटर्मिनेशन बताता है, तो यह है रीना का प्रोमिस पता। जब अपन चेंज करेंगे तो देखिए कैसे चेंज करें, सबसे पहले हमने लिखा रीना सेड का क्या हो गया, टॉल्ड और मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, रीना के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, सी। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां विल का गुड कर देते हैं कि यहां विल आ गया मॉडल, यहां गुड कर दिया, लेकिन आप सोचिए यहां विल मॉडल है और आपने यदि यहां गुड कर दिया तो फिर मॉडल का भाव खत्म हो गया, क्योंकि मॉडल हमेशा, मॉडल का जो यूज होता है हेल्पिंग वर्ब से अपोजिट होता है, तो सी के लिए क्या आना चाहिए, शुड,
she should help. अब यहां यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और मी के लिए क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्टिव है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. शुड हेल्प मी इन द टास्क. इसलिए इस कंफ्यूजन को आप दूर रहे, या फिर आप ये मान लें कि यदि यहां सी होता तो क्या आता, मॉडल के रूप में सेल आता. अपन इसका परिवर्तन दूसरे हिसाब से भी देख सकते हैं कि आई के लिए विल आया है, यदि यहां सी होता तो क्या आता, सेल आता. इसलिए अपन सेल का सूट कर रहे हैं. यहां इसके लिए क्या होता, उसी के हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके या उसी के मॉडल को चेंज करके अपन यूज कर रहे हैं. एक और एग्जाम्पल देखिए, मोनिका सैड, मोनिका सेड टू महेश, मोनिका सेड टू महेश, यू विल नॉट you will not decide my एरिया. तुम मेरे क्षेत्र को डिसाइड नहीं करोगे. यहां एरिया का मतलब वर्किंग एरिया से है कि मेरा वर्क एरिया क्या होगा, वर्किंग एरिया क्या होगा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे. अब यहां देखिए, यू के साथ विल का प्रयोग हुआ है, मींस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है सीधा सीधा. यहां कोई मॉडल का प्रयोग नहीं हुआ है. यदि यू की जगह सेल आ जाता तो फिर मॉडल होता. तो देखिए क्या हो जाएगा, मोनिका टॉल्ड, और सेट टू का हो जाएगा टॉल्ड, आगे आ गया महेश. चालू कर दे महेश, मोनिका टॉल्ड महेश, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा तो ये आ गया आपका दैट. जैसे ही कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा. क्यों आएगा दैट, क्योंकि दैट कनेक्टिव है जो आरवी और आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में कनेक्ट करेगा, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए उचित संयोजक शब्द है. अब यहां यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. ऑब्जेक्ट क्या है, महेश, महेश के लिए आ जाएगा ही. अब ही यहां होता तब भी विल आता, इसलिए हम विल का क्या कर देंगे, वुड नॉट डिसाइड. और यहां देखिए माई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो चेंज होता है वो होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है यहां, मोनिका. तो मोनिका के लिए क्या आ जाएगा, सी, और सी का यहां कौन सा प्रोनाउन आ रहा है, पजेसिव, तो सी का पजेसिव हर, और ये आ गया आपका एरिया. ये क्या आ गया, एरिया. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, नोट नंबर थर्ड ये कहता है, नोट नंबर थर्ड डिस्क्लोजेस दैट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन द स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स गिवन इन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज ड्यूरिंग चेंजिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेटिव. अब अपन नेक्स्ट जो नोट होगा हमारा उस पर बात करें, और नेक्स्ट नोट कौन सा है, नोट नंबर फोर. और देखिए नोट नंबर फोर क्या कहता है, नोट नंबर फोर ये कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रयुक्त समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरियां प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है. मीन्स इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस देन ड्यूरिंग चेंजिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन वी मस्ट रिमेंबर टू चेंज द गिवन वर्ड्स ऑफ नियरनेस इनटू द डिस्टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच.
रिपोर्टेड स्पीच में जो समीपता प्रकट करने वाले शब्द हैं उन शब्दों को दूरियां प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। तो देखिए वो कौन कौन से वर्ड्स होंगे, सबसे पहले अपन मेंशन करते हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि टू और दिस, इन दोनों का ही हो जाता है दैट, यानी टू के साथ कुछ भी लगा हुआ हो या दिस के साथ कुछ भी लगा हुआ हो वो दैट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे टुडे तो दैट डे, दिस डे दैट डे, तो टू और दिस के साथ जो भी एडवर्ब लगी हुई होगी उसको अपन किसके साथ जोड़ देंगे, दैट के साथ जोड़ देंगे। इसके अलावा देखिए दीज का हो जाएगा दोज, ईयर का हो जाएगा देयर, नाउ का हो जाएगा देन, हैंस का हो जाएगा देंस, थीदर का हो जाएगा थीदर, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, और दो वर्ड और इसमें अपन थोड़ा सा देखेंगे। एक तो ये जो लास्ट और नेक्स्ट, लास्ट का मतलब पास से जुड़ जाएगा और जो नेक्स्ट हो जाएगा वो किससे जुड़ जाएगा, फ्यूचर से। तो यदि नेक्स्ट आता है तो आप इसको जोड़ दोगे किससे, फॉलोइंग, नेक्स्ट को आप फॉलोइंग से जोड़ देंगे, द फॉलोइंग नेक्स्ट द फॉलोइंग, और एक लास्ट द प्रीवियस। इनके साथ भी जो वर्ड्स जुड़े हुए होंगे वो इनके साथ यूज हो जाएंगे, जैसे नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, लास्ट डे द प्रीवियस डे, लास्ट डे द प्रीवियस डे। इस प्रकार से एक वर्ड में और जोड़ना चाहता हूं इसमें, बिफोर अगो, बिफोर जो है उसका हो जाता है अगो। इस प्रकार से ये आपके कुछ समीपता प्रकट करने वाले शब्द हैं, कुछ नियरनेस प्रकट करने वाले शब्द हैं ये, और इनको डिस्टेंस प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है, इनको डिस्टेंस प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स में सबसे पहले अपन फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, रानी सेड टू राज, रानी सेड टू राज, आई कैन नॉट हेल्प यू टुडे, मैं तुम्हारी आज कोई सहायता नहीं कर सकती, आई कैन नॉट हेल्प यू टुडे। जब अपन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रानी टोल्ड राज दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है रानी के लिए, सी कैन का क्या हो जाएगा, कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन राज के अनुसार बदलेगा, राज के लिए ही आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा हिम। और अब देखिए हमारा नॉट अप्लाई हो रहा है, टुडे समीपता प्रकट करने वाला शब्द है इसलिए इसको बदल देंगे अपन दैट डे, क्योंकि टू के साथ जो लगा हुआ होगा वो दैट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि जितने भी हमने एडिशनल नोट्स लिखे हैं, जितने भी नोट्स लिखे हैं हमने एडिशनल चेंजेस या एडिशनल चेंजिंग से रिलेटेड, वो समस्त नोट्स एक ही सेंटेंस में अप्लाई होंगे, यानी कि आपका आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो आपके वाक्य का टेंस भी चेंज होगा, आपके
जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य है उसमें कोई स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी चेंज होगी, समीपता प्रकट करने वाले कोई शब्द आ गए तो वो भी बदलेंगे। तो ये जितने भी एडिशनल चेंजेस के लिए हम नोट्स लिख रहे हैं वो सब के सब सिंगल सेंटेंस में एप्लीकेबल होंगे, सभी को सिंगल सेंटेंस में एक सेंटेंस में अप्लाई करने के लिए आपको याद रखना है। दूसरा सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल, मोनिका सेड आई विल नॉट या आई शैल नॉट लीव, इन दिस हाउस एनीमोर, मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। एनीमोर का मतलब और ज्यादा, अब ज्यादा, मैं इस घर में अब और ज्यादा नहीं रहूंगी। तो सबसे पहले देखिए अपन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, मोनिका और सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि क्रिया के बाद कर्म नहीं है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है किसके अनुसार बदलेगा, मोनिका के लिए, और मोनिका के लिए क्या हो जाएगा सी, और सी के लिए क्या हो जाएगा वुड। अब यहां देखिए सेल का सुड नहीं हो रहा है क्योंकि आप जहां जो प्रोनाउन यहां लिखने जा रहे हैं इस प्रोनाउन का आप यहां लगाकर देखिए, यदि ये यहां होता तो इसके लिए क्या होता विल, तो उसका होगा वुड, सी वुड नॉट लिव इन। अब देखिए दिस आ गया समीपता प्रकट करने वाला शब्द तो हमने इसको चेंज कर दिया दैट और आगे लिखा हाउस एनीमोर एनी मोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आकांक्षा सेड टू आकाश आई एम giving you a special gift, I am giving you a special gift on this दीपावली, मैं तुम्हें इस दीपावली पर एक खास उपहार दे रही हूं, मैं तुम्हें इस दीपावली पर एक खास उपहार दे रही हूं। जब अपन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आकांक्षा टोल्ड आकाश दैट, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस चला जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आकांक्षा के लिए, सी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में वॉच गिविंग यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है आकाश के लिए ही आ जाएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा हिम A special gift on, अब देखिए दिस समीपता प्रकट करने वाला वर्ड आ गया that Deepavali dear students I want to disclose only one thing and it's that we must remember to apply all the notes of additional changes during changing even a single sentence into indirect narration from direct narration. So I think you will remember it and thanks a lot for today. I will see you soon tomorrow.